चिकन जिज्जा में चंपारण इसको खाने का स्टाइल अलग। ये पुन्ना बनाया है क्या? अरे पुन्ना जबरदस्त बनाता, मालूम है तुमको? तुमको मालूम नहीं है, पहले थोड़ा बनाया मैं इसका हाथ का खाना खा चुका हूँ। बहुत कलरफुल हो गया लोग, एकदम मजा दिख रहा है। इससे अच्छा तुम बना नहीं सकते जिंदगी में कभी भी। तो आज सीखने का है पुन्ना से। आप सीख लो अच्छा सा, कभी कभी सीखना पड़ता है। एकदम मटन का टेस्ट आएगा, कम रेट वाला मटन बोल सकते इसको पुन्ना। अच्छा तुम लोगों को जंगल में बहुत सारे चीज मिल जा रहा है, एक बार बकरी तो मिल गया, एक बार ये नहीं मिला अभी, ये तो मैं खुद बनाया अभी जला के लेके आ रहा हूं। अरे बना, बाप रे देखिए। अच्छा। अभी अभी गर्म होगा ना? बहुत गर्म है अभी। कैसा मिला पन्ना तुमको? ये एक अच्छा खारा था, बुला के लेके आया वहां से, पका के खाएंगे बोल के। तुम फुकट में उनको लेके आया खाने के लिए? चाहिए खाने के लिए तुमको चाहिए, उसलिए लेके आऊंगा। देखो लाल है कि नहीं, नहीं कैप के नीचे कुछ होगा, देखो होगा कुछ, बॉटल वेटल होगा। अभी बनाएंगे, कुछ और बात करेंगे। चलो दूसरा टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। हाँ बताओ, ये कितने सारे चिकन है बताओ? ये इसमें कम से कम 50 से ज्यादा मुर्गी का है। ये आज फेकू टीम बना रहे मटका में चंपारण स्टाइल गिजड़, गिजड़ का करी। ये पुन्ना बनाया है क्या? अरे पुन्ना जबरदस्त बनाता, मालूम है तुमको? तुमको मालूम नहीं है, पहले थोड़ा बनाया। मैं इसका हाथ का खाना खा चुका हूँ, अब तक वो नशा नहीं गया मेरे अंदर से। तो चलो फिर आज बनाओ पुन्ना, आज बना के खिलाओ। क्या क्या होना बोलते रहो, मैं ला के देता हूँ। ठीक है, वो टेस्ट एकदम जबरदस्त रहो ना। फेंकू यहाँ पे बहुत फेंक रहे हैं, इसको धो लेंगे, इसको धो लेंगे। चलो इसको अच्छे से धो लेंगे। पानी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ भैया। नहीं तुम डाल दो, मैं पानी पकड़ के ठहरा हूँ। ये आ गया पानी। चिकन गिज्जर तो अच्छा सा धो लेंगे पहले, उसके बाद ये तो अच्छा सा क्लीन हो गया। इसको ले लेंगे एक प्लेट में। कितना अच्छा सा ताज़ा हो गया भैया, ताज़ा ताज़ा चिकन गिज्जर है। इसमें मिलाओ पुना, इसमें डालेंगे गिज्जर और ऊपर से जाएगा प्याज, प्याजा। इसमें डालेंगे धनिया, बस बस बस। और ये आ गया लहसुन, ये तो ज़रूरी है चंपारण में। और अब जाएगा उसमें सूखा मिर्च, ये है सरसों तेल। सरसों तेल तो थोड़ा ज़्यादा रहना भैया, और सरसों पाउडर भी डालना पड़ेगा थोड़ा। अब डालेंगे उसमें लाल मिर्ची का पाउडर, 1 2 3। ये है हल्दी पाउडर, जाएगा उसमें नमक, ये है सरसों का पाउडर आधा स्पून डालेंगे, ये है गरम मसाला पूरा डाल देंगे। इसमें क्या क्या है बताओ एक बार? इसमें लवंग, इलायची, मिर्याू। तो अभी इसको खाली मिलाने का है ना? हाँ, एक ही खाली मिलाना। लेकिन खाली मिला के छोड़ दो, ये बंदा जो है ना बनाएगा, क्योंकि तो इससे इससे अच्छा तुम बना नहीं सकते जिंदगी में कभी भी। तो आज सीखने का है पुना से। आप सीख लो अच्छा सा, कभी कभी सीखना पड़ता है। वो तो सही है। अच्छा सा मसल के डाल, पूरा डाल दिया इसमें मसाला पुना? पूरा डाल दिया। ये फेंकू देखो, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डाला, पूरा डाल दिया। बहुत कलरफुल हो गया लोग, एकदम मजा दिख रहा है, खुशबू एकदम आ रहा है, क्योंकि अपन इसमें सरसों पाउडर और सरसों तेल भी डाले। खुशबू बोलो, तुम नहीं बोलना उसके बारे में, पुन्ना बोलना, बताओ पुन्ना। ऐसा मिलाने के टाइम पे ही डालना पड़ेगा। अच्छा, उसलिए बोल गया था पुना। डालो डालो फिर। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छा सा उसको मैश करो। अच्छा मसल दो भैया, पूरा मसल दिया पुना, ज्यादा मसल तो यहाँ पर कीमा बन जाएगा फिर। चलो इसमें बनाएंगे। वाह ये मटका जबरदस्त है भाई, कितना डिजाइन है देखो भाई। डालेंगे उसमें अभी, खोलो फिर खोलो। एकदम मटन का टेस्ट आएगा। हाँ। कम रेट वाला मटन बोल सकते हैं इसको पुना। अच्छा चलो इसके ऊपर रख देंगे सीधा कैप, और इसको रख देंगे सीधा आग का ऊपर। उतना दूर कहीं कुछ चला गया पुना, आज भी लेके भागने का था क्या? आदत हो गया तुम्हारा को। ऊपर से कपड़ा लगाएंगे टीम के लिए। इस तरह ये लगाए तो स्टीम बाहर नहीं जाएगा, अंदर से बढ़िया सा पकेगा। हाँ क्या खुशबू आ रहा देखो। हाँ एक बार इसको मिलाएंगे ओपन करके। वाह
ग्रेवी देखो कितना ठीक हो गया। अपन पानी नहीं डाले थे ना इसमें? हाँ, लेकिन प्याज का वजह से आया। अच्छा, पन्ना पकड़ने के लिए कुछ लो, ऐसा ग्रेवी रहना चाहिए। ग्रेवी निकाल लेंगे पूरा? नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी रखो और एक 5 मिनट में रेडी हो जाएगा भैया। फिर इसके लिए तो चावल चाहिए ना, है ना अपने पास चावल है? बस हो जाता तुमको? हाँ, बहुत सारे चावल है भैया। और एक 5 मिनट ढक्कन रख देंगे और ऊपर से कपड़ा रख देंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप अभी तक कपड़े के ऊपर पानी नहीं डाले? हाँ डाले थे भैया, डाले थे, डाला मगर मैं नहीं दिखाया। कैमरामैन जबड़ से अपने एकदम मेरा भूल गया, मैं भूल गया पूरा उधर गया, उधर ही क्या शादी करने के लिए। हाँ नहीं, उसका बारे में फोन किया, आधा घंटा हो गया उधर ही है। किसका बारे में फोन किया? तुम्हारे को। हाँ, शादी के बारे में गांव से फोन आया ना। अच्छा, ये शादी का एडवर्टाइज भी चैनल में होता? उनका बच्चे का हो रहा, तुम्हारा शादी का नहीं होता फिर से। अभी तक 5 मिनट हो गया, इसका ढक्कन निकालेंगे। वाव, क्या खुशबू आ रहा पोना। हाँ, तेरा एक बार मिलाएंगे इसको। वाव, चंपारण चिकन गिज्जट तो रेडी हो गया, फिर इसको ले लेंगे नीचे। चलो इसको ले लेंगे प्लेट में। गार्लिक भी आ गया है इसका। बताओ कैसा है? पूरा मटन का खुशबू है, एकदम स्वाद है। एक मिनट, कम रेट का मटन? कम रेट का मटन है। वो भी बोनलेस मटन है, समझो ये बात। टेस्ट एकदम है, इसका ग्रेवी का स्वाद एकदम अलग। सही में उसका सरसों का पाउडर और सरसों का तेल और ऊपर से जो क्या बोलते हैं लहसुन, उससे टेस्ट आया है। और मटका का फ्लेवर, क्या बात है, एकदम आवाज आ रहा खाए तो। और ये देखो इसको खाने का स्टाइल अलग, इस तरह मजा आ गया। ये कैसा है बताओ? जबरदस्त दिख रहा, उसको दिखाना नहीं, ऐसा खा देना।